अपने घर को सजाना सवारना तो हम सभी की चाहत होती है। कमरे के रंग से मेल खाते पर्दे, कुशन्स, बेडशीट्स और रग्स, इन सभी में हमारी पर्सनैलिटी की एक झलक दिखाई देती है और इसीलिए बड़ा सोच समझकर इन सभी चीजों को चुन चुन कर खरीदते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन्हें बनाने के पीछे कैसी सोच और हुनर की जरूरत पड़ती है? नहीं ना? अरे तभी तो आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं अर्पित जी। आर्ट इंडिया हमारा फैमिली बिजनेस है जो कि मेरे फादर एंड मेरी मदर, इन्होंने स्टार्ट किया था 1980 में। सो बेसिकली जब इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो दे स्टार्टेड विद हैंड पेंटिंग्स। सो कैनवस पेंटिंग्स होती थी तो वो उस टाइम पे काफ़ी ट्रेंड में चलता था एंड काफ़ी अच्छा था। सो घर पे ही आर्टिसंस बिठा के एंड पेंटिंग करवाते थे एंड वो उस चीज़ को सेल आउट करते थे। एम्बेसी में जाते थे डोर टू डोर बेल बजा के, पेंटिंग मैन आपको पेंटिंग चाहिए, आप पेंटिंग लेना पसंद करोगे? तो कुछ लोग जैसे मना कर देते थे, कुछ लोग कहते हैं हाँ हमको दिखाओ, तो उनको सेल करते थे। घर घर जाकर पेंटिंग्स बेचने से लेकर आज आर्ट इंडिया जैसी बड़ी कंपनी खड़ा करने तक का ये सफर गुणवंत और लतेश जी के लिए आसान नहीं था। धीरे धीरे पेंटिंग का काम मंदा पड़ने लगा तो इन्होंने रग्स यानी दरिया बेचना शुरू किया। हम राजघराने से दरिया उठाते थे, वहाँ एंटिक दरी मिल जाती थी, जैसे बड़ौदा है, सूरत है, कोटा है, तो वो दरी बहुत बड़े बड़े साइज में होते थे, उनकी यूज़ करी हुई दरी थी होती थी, वो फट जाती थी, तो उनको वो साइड में निकाल के रख देते, फटी हुई दरी कौन बिछाएगा? तो हम उनको लेकर आते थे, उनको काट कर उनकी फिनिशिंग कराते थे, जहाँ डिजाइन ख़राब हो गई है उधर रफू कराते थे, पैच वर्क कराते थे, उसमें एकदम फिनिशिंग करा के और उसको बहुत अच्छे रेट में हम सेल आउट कर देते। पुरानी दरियों को रिसाइकल कर नया बनाकर बेचते बेचते गुणवंत जी ने खुद दरियों की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की। सफलता पूर्वक अपना बिजनेस चला रहे थे लेकिन उसी समय हुआ एक हादसा। 2003 में अचानक दिल का दौरा पड़ने से गुणवंत जी गुजर गए। उनके जाने के बाद उनकी बड़ी बेटी ने बिजनेस की बागडोर संभाली और फिर उनके बेटे अर्पित ने। लेकिन बिजनेस संभालते ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनके सामने थी। 2008 का जो रिसेशन आया था उसके अंदर मार्केट पे भी काफी बड़ा इम्पैक्ट था, तो बिजनेस में की सेल्स में भी काफी इम्पैक्ट पड़ा था उस चीज में। सो 2009-10 में जब व्हेन आई एंटर्ड बिजनेस वाज डाउन, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, आप बिजनेस में नए हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके अंदर में, सिर्फ इतना आइडिया था कि हाँ दरिया क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्योंकि बचपन से वही सब देखते आ रहे थे, उसके आइडिया था, बट टेक्निकली कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे होता है। आइडिया नहीं था तो क्या हुआ, सीखने की लगन अर्पित जी में पूरी थी। अपनी माँ और बहन के एक्सपीरियंसेस से ये बिजनेस करने का हुनर पूरी तरह सीख गए और इसे आगे बढ़ाया। अच्छा, एक SME यूनिट लगा रखा है जिसमें करीब 200 से 300 वर्कर्स को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। सच बात है भाई, काम ऐसा हो जो अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार से जोड़े, एम्प्लॉयमेंट जेनरेट करे, उसे तो सपोर्ट मिलना ही चाहिए। और इस काम ने तो मॉडर्न डिजाइनर और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट दोनों ही तरह के हुनरबाजों को अपने साथ जोड़ा है, जो एक दूसरे को अपने हुनर के गुण सिखा रहे हैं। जो भी एक टेक्सटाइल बिजनेस है और जो एक आर्टिशन का पार्ट है, एक डिज़ाइनर ना उसके बीच का कनेक्ट होता है। जैसे हम वीविंग के कुछ टर्म्स हैं, हम वॉर्ब वेफ्ट इस तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे ताना बाना वो उस चीज़ को बोलते हैं, तो हमको उनके लैंग्वेज को भी समझना होता है, हमको अपने लैंग्वेज को भी समझना होता है, तो ये कम्युनिकेशन लेवल जो है ना वो हम उनके साथ डेवलप करते हैं, तो हमको उनके साथ एक फ्रेंडली अटैचमेंट क्रिएट करना पड़ता है। लोकल आर्टिजन्स को हमें नहीं सिखाना पड़ता, वो हमें सिखा के जाते हैं। जब भी हमारे डिज़ाइनर्स इनके साथ बैठ के कोई भी डिज़ाइन डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इनपुट आता है कि अगर आप इसको इस तरीके से चेंजेस करोगे तो आपका डिज़ाइन बेहतर निकल के आएगा, जैसे आपकी कॉस्टिंग कंट्रोल में रहेगी, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनसे ज़्यादा सीख रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। वाह, नए पुराने हुनर के इस तालमेल ने आज हमारी भारतीय कला में एक नई जान फूंक दी है जिसकी वैल्यू देश के साथ साथ विदेशों में भी खूब है।
आज हमारे कस्टमर्स जो हैं वो उस चीज़ को वैल्यू करते हैं कि आप जो लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है आप उसको रिवाइव करके रख रहे हो चीज़ को, तो वो उस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आज अभी हमारा यही टारगेट रहता है कि हम जो भी डिज़ाइन करते हैं, जो भी कलेक्शन बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना जो लोकल क्राफ्ट है उसको किसी ना किसी तरीके से हम अलाइव रखें उसमें। ये ताना बाना कल, आज और आने वाले कल को कुछ ऐसे बुन रहा है कि पैर फैलाने पर भी किसी की चादर कभी छोटी नहीं पड़ेगी, और यही विश्वास एक मजबूत रिश्ते की नींव है।